आप मुझे बताइए, दूसरे के मकान पर कोई झंडा लगा या कुछ भी लगा तो क्या जरूरत है उसके मकान पर चढ़ने की? ये कौन लोग हैं आतंकी जो दूसरे के मकान पर चढ़ रहे हैं? किसने इजाजत दी? तो ये शासन प्रशासन की कमी है। उनका पूरा का पूरा संरक्षण था, जिन्होंने कहा कि चलो ये हरकतें करो, और इनका ही एक उन्मादी एक पूरा जत्था का जत्था जा रहा था वहाँ, जबकि कोई और आदमी नहीं था, और चल के उसमें बदतमीजी कर रहा था। ये देखिए, ये बदतमीजी कर रहा है, ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसको किसने भाई चढ़ाया दूसरे के मकान पर? ताकि इन्हें पता है भाई चुनाव आ रहा है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में। इनके पास कोई कोई मुद्दा है नहीं, ना शिक्षा पे कोई बात जवाब दे सकते, ना स्वास्थ्य सेवाओं पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना बहन बेटियों की इज्जतों पे। इज्जतों का तो बुरा हाल है इनके शासन में, चाहे मनीषा वाल्मीकि का मामला ले लो, चाहे उन्नाव वाला कांड ले लो। छत पे चढ़ रहे तो पुलिस प्रशासन क्या भाई करे? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन ने तो खुद व्यवस्था बना रखी थी कि जाइए ऊपर, भाई चुनाव लड़ना है, भाई उपचुनाव आ रहा है। शासन प्रशासन का पूरी के पूरा संरक्षण था, इसको चढ़ाया गया, फिर गोली किसने मारी? ये तो ये आप बताओ, जो सरकार और प्रशासन ही जब जुड़ा हुआ है तो जवाब कौन देगा, गोली किसने मारी? तो कहीं ना कहीं ये ताक पर है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोग ताक पर है, कहीं दलित ना टारगेट पर है, कहीं पिछड़े टारगेट पर है। इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने निशाने पर। देखिए, संविधान की तो हालत ही खराब है, मेरी बात संविधान के बारे में जानते ही नहीं, ये संविधान के पाखंडी अनपढ़ है, अशिक्षित ना, आगे जा रहे वो 4 मीटर कपड़ा ले आते हैं भगवा सा, सारे के सारे बाबा बन जाए कहीं पे भी है कुछ भी। अरे भाई, इनको समझाना पड़ेगा, ये देश के अंदर क्रांति की जरूरत है, और जब तक आप क्रांति नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। 150 करोड़ देशवासियों के संविधान को बचाना है तो क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, है लोकतंत्र को बचाना है तो। आज बाबा साहेब के संविधान को कौन देख रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन जान रहा है? और जो अधिकार कर दे संविधान की बात तो उसे गोली मार देते हैं। आप ये देख लो जो संविधानवादियों के साथ क्या हो रहा है, दलितों और पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है, उनकी बहन बेटियों को निर्वस्त कर पेड़ से लटका दिया जाता है बलात्कार कर। कोई जवाब दे ही है इनके पास? कोई जवाब दे ही नहीं है, क्योंकि इनके अपनी तानाशाही चल रही है। और कुबाई कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, फिर गालियां निकलती है मेरे मुंह से, कोई हिंदू नहीं है, हिंदू पंदू इस देश में कोई नहीं है। ऐसा हिंदू कौन है बताओ, कौन सा धर्म है हिंदू? हिंदू तो एक गाली है जो अरबी मुगलों ने दी थी। हाँ भाई, अपमान नहीं, सही कह रहा हूँ, इन्हें सम्मान के लिए तो है ना। कौन सनातनी है तो सनातन का बात करें ना, कौन से सनातन राष्ट्र बनाएगा क्या? है सड़े तन वाले और सड़े मन वाले लोग हैं। अब शोभा यात्रा नहीं निकाले, कोई मूर्ति विसर्जन काय की मूर्ति विसर्जन, या आदमियों को विसर्जन करना, आदमियों को मार रहे हो तुम, मूर्ति विसर्जन करो। मूर्ति विसर्जन किसने रोका? ये अधिकार है संविधान ने दे रखा है, भाई तुम अपनी पाठ पूजा करना चाहते हो करो, जो मर्जी करो। है कोई ऊपर उठा के करता, कोई कैसे करता, कोई कैसे करता, कैसे भी करो, कोई मना थोड़ी, संविधान ने सबको आज़ादी दी है। मगर तुम ये थोड़ी है कि किसी के घर पे छत पे चढ़ जाओगे, उसके झंडे तोड़ोगे, मकान तोड़ोगे, उसकी गुम्बद तोड़ोगे। भाई किसी के घर में घुस रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, उसके बाद भी उसके परिवार के लोगों ने किसी ने कुछ नहीं करा बदतमीजी, और बल्कि इनका ही जत्था था जो जय श्री राम का नारा लगा रहा। इसका अध्ययन किया जाए, ईडी और सीबीआई। अरे ईडी और सीबीआई क्या करेगी? धर्म के नाम पे तांडव तब तक चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक ये जो बैठे हैं ना, जो अनपढ़ बैठे हुए हैं इस तरीके के, तो ये बाबा कहीं नहीं है, ये तो स्वार्थ ही है, तो राजनीतिक बाबा है, ये कोई वो आध्यात्मिक बाबा नहीं है। ये तो चोला इसलिए पहनते हैं, तो इन्होंने चोला पहन पहन के हरकतें कर रखी है, जैसे डासना वाला था, यही बकवास कर रहा था, ये नबी के खिलाफ बोल रहा था, तो इन्होंने हमेशा उलझाने का काम करा। हरियाणा चुनाव से लोगों को भटकाने की कोशिश करी, और करी तो पीछे कांड कर गए। हरियाणा चुनाव में देखा नहीं कैसे घपला कर गए, और तुरंत जो कोई एक आदमी वोट नहीं देना चाहता इस भाजपा को, तो बताओ ये सरकार कहाँ से आ रही है, सत्ता में कहाँ से आ गए? तो कहीं ना कहीं ये धांधली है। आप देखो सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के, देखिए आप। ये हिंसा तो हो जाती है, लेकिन जो गरीब बेचारे इसमें मारे जाते हैं, जिनके घर जलाए जाते हैं, जिनकी संपत्ति को नष्ट किया जाता है, उनका क्या कसूर होता है? भाई उनका कोई कसूर नहीं, उनका ये कसूर है कि गरीब है, और गरीब बना के और मारेंगे। 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पर पल रहा है ये देश, इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर है। और इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेगा तो कहाँ जाएंगे बेचारे, किसके पास गुहार लगाएंगे? क्यों, इनके पास धन नहीं, पैसा नहीं, कैसे ये करेंगे? गरीबी इसलिए बनाया ताकि वो पैरवी ना कर सके। और यही वजह है कि आज दलित शोषित वंचित पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग दुखी हैं, परेशान हैं इस सरकार से, क्योंकि सरकार पर भैंसी और दरिंदों का शासन हो गया है। हिंदू के नाम पे आतंकवाद फैला रहे हैं, जबकि ये देश संविधान से चलता है। काहे के पत्थर भाई, पत्थर तो जेब में डाल के चलते हैं, है ये भाजपा ही है, पत्थर जेब में डाल के चलते। अरे भाई ये खुद ही मारते हैं पत्थर, ये खुद ही पत्थर मार दें, खुद ही जत्था लेके जाएंगे कि वहां से आ गया पत्थर। एक बात बताओ, मुसलमान की तो हालत है बेचारा, डरा हुआ है इस वक्त। और उत्तर प्रदेश से जूड़ी टाइट नहीं है उनकी, तो बिल्कुल पता नहीं क्या क्या टाइट हो रहा है। अच्छा। हाँ, और बहुत बुरी हालत है भाई। अच्छा।
वो तो सोच रहे हैं कब कैसे जाए, पैसे भी नहीं, वो तो सोच रहे हैं। अरे भाई देश छोड़ के भागने की सोच रहे हैं, पैसा नहीं है उनके पास, कैसे जाए है, ये हालत है भारत के अंदर। और तो और इनको तो छोड़ो, मुसलमानों को इस देश से 14-15 लाख तो वैसे ही जो बिजनेसमैन लोग थे वो भाग गए देश छोड़ के। तो ये संविधान को नहीं जानते, पढ़ते नहीं। अरे संविधान को क्यों पढ़ेंगे भाई, ये तो संविधान को समझते ही नहीं कुछ, ये तो संविधान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ये तो चाहते ही संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान में आग लगाना चाहते हैं। वही लोग हैं जो जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाते थे, उसी मानसिकता के विचारधारा के गुंडे बैठे हैं ये आतंकवाद, ये भारत के नहीं है। अरे भाई ये खुद भी देशी है, देश तो संविधान से। अरे कहा संविधान से तो चलना ही चाहिए, और संविधान से चला कहा रहे हैं, मगर इनके बाप को चलाना पड़ेगा, नहीं चलाएंगे तो देख लेना देश में क्रांति होने वाली है, और संविधान से ही चलेगा ये देश। अगर संविधान के खिलाफ चले हो, ये नहीं है कि सत्ता नहीं बदलेगी, क्रांति होगी, क्रांति करें, देश के लोग हैं, भारतवासी हैं, ये है कितने विदेशी मानसिक। अरे कौन संविधान क्यों नहीं है भाई, नहीं, इनकी नसों को इनकी भाई इंजेक्शन देंगे ऐसा वाला, सही वाला, ठोकू वाला, ये संविधान होता क्या है। अरे संवैधानिक इंजेक्शन पूरा देंगे डाल के भट से, समझे, एकदम आगे खुल जाएंगे चिरोटे की तरह, उड़ने लगेंगे और पूरा काम करने लगेंगे देश में। ऐसी हिंसाओं से फायदा काय से, हिंसा हमको हिंसा कर रहे हैं, नहीं जो ये हिंसा, ये तो हिंसा कर रहे हैं तो इनका फायदा है, जो देश और सत्ता बैठे हैं इनका कोई अपना काम नहीं है, कोई काम नहीं करते पब्लिक के लिए ये। अरे भाई ये तो ऐसे गुमराह करके कर रहे हैं ना, वही अपनी नियंत्रण में करवाती सारे काम, कि करो भाई इसके झंडा, ये झंडा तोड़ो, इस आदमी को मारो, ये करो, यहाँ पे ईवीएम लुटवानी है, ये करना, सब पुलिस संरक्षण में हो रहा है काम। अब ये देखना पड़ेगा गोली किसने मारी, किसने रामपुर में नीति जैसे गोली मार दी थी उस दलित बच्चे के, जो बाबा साहेब की मूर्ति लगवाना चाहता था, वहाँ मार दी थी नहीं गोली थी, है किसने मारी, पुलिस ने मारी, है तो पुलिस की गोली से, यही इसका भी निकल के आएगा। और देश में मैं कह रहा हूँ बार बार के भाई, देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, और अगर संविधान पे नहीं चले तो ये समझ लेना देश में बुरी हालत होने वाली है, और कहीं ना कहीं देश के जो 150 करोड़ देशवासी हैं ये जो हैं ये इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनकी ऐसी तैसी करके मानेंगे, देख लेना, और एक फिर से क्रांति होगी। और बाबा साहेब ने कहा था कि जब जब संविधान को कोई जानने की सोचेगा उस दिन भारतवासी जागेगा, और इनको वहीं पहुंचा देगा जहां से आए थे, यूरेशिया से, यूरेशिया ही भेजेंगे बेटे, ध्यान रखना। इस देश में संरक्षण दे दिया, यहाँ खा रहे हो पी रहे हो, यहाँ के दया दान पर पलने वाले वही कीड़े आज देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं, वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है, तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है, संविधान से चलेगा। और मैं कहता हूँ सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बाण टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता होएगा, और नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा और होएगा संविधानिक रूप से, बाबा साहेब का बनाए हुए संविधान से ये राष्ट्र चलेगा और उन्नति करेगा, और ऐसे पाखंडी और ढोंगियों का सर्वनाश होगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा, उत्तर प्रदेश को छोड़ो महाराष्ट्र भी चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, हरियाणा में देखा नासिर जुनैद के साथ क्या हुआ, अरे मॉब लिंचिंग कब से चल रही है, जब से ये 2014 से सरकारें आई हैं भाजपा की, तब से स्थितियाँ खराब हैं। आप देश की जनता पूछने लग जाए शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर, किसी के ऊपर पूछ ले, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जैसे ही चुनाव आता है इन्हें हिंदू मुसलमान दिखता है, इन्हें मंदिर मस्जिद दिखने लगती है, इन्हें जात पात दिखने लगती है, इन्हें नए नए मुद्दे दिखने लगते हैं, 1947 से पुराने, कहीं NRC ले आएंगे, कहीं कुछ ले आएंगे, कहीं कुछ ले आएंगे, उसके लिए भी खोज रखे इन्होंने, हैं कहीं मुल्ला ढूंढ लेते हैं कि NRC पे चिल्लाएगा, अदनी मदनी कौन है, हैं उसको देख लो वो नौटंकी कर रहा था, हैं तो वो रामगिरी आ गया था, वो कहने लगा नबी के खिलाफ, बताओ तो इन्हें क्या मिलता है, इन्हें अपने धर्म का पता नहीं, दूसरे मजहब के पीछे पड़ जाते हैं, तो इनका मतलब क्या है। चुनाव देखे इन्होंने, हरियाणा चुनाव देखा, उसको देख के एक और आ गया, ये कौन सा डासना का था, ये डंक मारता हुआ नाग, अभी जो